गोल्डी बेल डायरेक्टेड टीवी सीरियल रिपोर्टर्स बहुत जल्द ही अपने 50 एपिसोड्स पूरे कर लिए। राजीव खंडेलवाल और कृतिका कामरा स्टारिंग रिपोर्टर्स अब सोनी एंटरटेनमेंट चैनल का हिट शो बन गया है और कास्ट एंड क्रू ने केक काटकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया, जहां राजीव और कृतिका ने मीडिया से अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। राजेश सर थोड़ा सा बीच में बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर फीलिंग एट होम। हम तो ऐसे ही काम करते हैं ना इतने सारे रिपोर्टर्स एक साथ, तो हमें तो एट होम ही फील हो रहा है। हाँ, मतलब एक रियलिटी चेक है एक्चुअली। 50 एपिसोड हम लोगों ने खत्म कर लिए और उसके बाद फाइनली एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि इस दौरान इस बीच हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं की थी, शो शुरू होने से पहले की थी और अभी आपके साथ अब कर रहे हैं। अब शायद शो खत्म होने के बाद करेंगे, सीजन खत्म होने के बाद करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को कोई शिकायत नहीं आपसे। नहीं, हमने चाहते कि 1000 में आए, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर रखा था इसके लिमिटेड सीजन है, लिमिटेड नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 50% खत्म कर चुके हैं, लगभग 50% बचा हुआ है, पर उम्मीद करते हैं कि इतनी एक्साइटमेंट एंड तक हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि 50 एपिसोड में इतनी एक्साइटमेंट है, तो आगे आने वाले 50 एपिसोड्स में भी एक्साइटमेंट बढ़े, डबल हो, ट्रिपल हो, पर 1000 एपिसोड तो नहीं होगा। क्यों? बहुत मेंटेन है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपोर्टर्स के ऊपर आज तक कभी कोई शो बना ही नहीं था। आज जब हम बना रहे थे तब लोगों ने बोला था कि यार आप लोग, हमारे रिपोर्टर्स तो बिल्कुल ऐसे होते नहीं हैं जितनी गुड लुकिंग कृतिका हैं, इतनी सुंदर तो होती नहीं है हमारी रिपोर्टर्स, लेकिन है ना। अब देखा, अब बोलना शुरू किया। पहले नहीं, पहले सब लोग बहुत टॉन्ट मारते रहे, सर ऐसा तो होता नहीं है, इतने कोई गुड लुकिंग होते नहीं है, आप लोग तो राजेंद्र लाइव कर रहे हैं। पर अब जब लोग मिलते हैं, ये वही जर्नलिस्ट जब आप मिलते हैं तो वो कहते हैं कि एक्चुअली वी कैन रिलेट टू द शो, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग आई गेस। स्पेशली कमिंग फ्रॉम दिस जर्नलिस्ट। या कृतिका, आपको लगता है चेंज, आपके परसेप्शन में चेंज आया है रिपोर्टर्स को देखने के लिए, कि आपकी मतलब पर्सनल लाइफ वगैरह के बारे में क्वेश्चंस पूछते थे जी, तो या राजीव आपकी भी, तो अब आपको लगता है काफी समझ पाते हैं एक मानसिकता रिपोर्टर की? नहीं, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि ये तो काम है उनका, ये तो दिस इज देयर जॉब, बट मैं तो अभी नहीं पूछती हूँ पर्सनल क्वेश्चन शो में किसी से भी। ये सवाल हम लोगों ने बहुत जवाब दिया है सवाल का, शो के लॉन्च होने से पहले बीच बीच में जब भी इंटरव्यू देते हैं सवालों के बहुत जवाब दिए हैं कि कितना समझते हैं अब हम रिपोर्टर्स को। आई थिंक एक एक्टर वैसे भी जो थोड़ा टाइम जिसने काम किया है इंडस्ट्री के अंदर, दे बिल्ड अप अ रिलेशनशिप विद द मीडिया गाइज, और आपको समझ में आने लगता है, एक्टर्स जर्नलिस्ट को समझते हैं, जर्नलिस्ट एक्टर्स को समझते हैं, अब शायद थोड़ा ज़रा समझ लगे क्योंकि अब हम खुद एक जर्नलिस्ट प्ले कर रहे हैं। तो अब पर्सपेक्टिव तो हम अब समझते हैं, बट एथिक्स तो पर्सनली होते हैं ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे लिए तो हमें तो पता नहीं चला, ऐसा लगता नहीं कि अभी हम लोगों ने शुरू किया था, रियली डिडंट रियलाइज अभी तक, इट्स जस्ट लाइक हैपेंड सो फास्ट, और आई थिंक वही अच्छी बात है, दैट्स व्हाट सेज इट ऑल, कि पता ही नहीं लगा, इट्स लाइक दिस वन बिग। इनफैक्ट कल परसों डायरेक्टर को जब हम लोग बैठे थे, हमें बता रहे थे कि 50 एपिसोड की एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो हमने कहा कि 50 हो गए, कब हुआ 50? आई थिंक हमें रियलाइज़ नहीं हुआ, ऑडियंस को भी रियलाइज़ नहीं हुआ इतनी, क्योंकि एक तो ये स्टोरी ऐसी है जो थोड़ी सी फास्ट मूविंग है, किसी एक इमोशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं होता, तो आई थिंक ऐसे बात करते करते ये 100 दिन निकल जाएंगे और पहला सीजन खत्म हो जाएगा।